सो हे गाइस, व्हाट इज अप, इट्स योर एनएचडी बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो गाइस, आप लोगों को पता ही होगा कि पिछली बार माइकल और ट्रेवर ने बैंक रॉबरी की थी एंड सक्सेसफुल हो गए थे बैंक रॉबरी में। और तब से ही माइकल और ट्रेवर के नाम से बहुत सारे बंदे डरने भी लग गए और माइकल के बहुत सारे बड़े बंदों के साथ कॉन्टैक्ट्स भी बन चुके हैं। उसी कॉन्टैक्ट्स के थ्रू माइकल ने जीती थी एक ऑक्शन जिसमें थी लंडन क्वीन की कार। और चलो हम जाके पहले फुल एंड फाइनल पेमेंट करते हैं एंड देखते हैं कि हालत कैसी है कार की, और शायद हमें टो करके भी लानी पड़े। सो चलते हैं वो लोकेशन पर जहाँ पे गाड़ी खड़ी है। तो गाइज, हम आ चुके हैं उसी लोकेशन के पास जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। ओके, सो लेफ्ट साइड पे होगी हमारी गाड़ी। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स इतने बढ़ चुके हैं कि हर एक मिनट में कॉल आ रहा है कि ये काम कर दो माइकल पर। माइकल नहीं करेगा क्योंकि उसने अपनी गाड़ी मॉडिफाई करानी है। सो यहीं पे कहीं पे गाड़ी। तो गाइज, मैं आ चुका हूँ अंदर और ये खड़ा ब्लैक कपड़े पहन के बंदा जो फ़ोन पे बात कर रहा है, जिसको हमने पेमेंट करनी है। और इसने अपने बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं जो एकदम हेड पे एम कर रहे हैं। अगर मैं ये बंदे को टच भी कर दूँ ना, यहीं पे वो लोग उड़ा देंगे। तो इसके फ़ोन रखने के बाद इसको पेमेंट करते और पूछते कि गाड़ी कहाँ पे है। तो हमने उसको पेमेंट कर दिया। और ये देखो भाई, कितना बिजी बंदा है, उसको एक पे एक कॉल आए जा रहे। और उसने बता दिया कि हमारी गाड़ी ये शेड के राइट साइड खड़ी है। सो देखते गाड़ी की कंडीशन कैसी है। ओके, सो यहाँ पे खड़ी। और शिट गाइस, गाड़ी की हालत चलने लायक भी नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने फोड़ी है गाड़ी। मैंने कहा था पहले कि बहुत गंदी हालत में है, तो इसको तो पक्का हमारे को टो करके लेके जाना पड़ेगा। तो कॉल लगाते टो वाले को। तो हमने गाइस टो वाले को कॉल कर लिया, वो आता ही होगा। तो अभी हमारे को वेट करना पड़ेगा उसका। भाई इंजन ही पूरा उड़ा हुआ है इसका, तो एकदम पूरी जली हुई है गाड़ी। ये दोनों भाई बहन लग रहे, वाह। ये देखो, ये भी टूटी हुई, ये भी टूटी हुई। चलो टो वाला आता ही होगा। तो टो ट्रक वाले को कॉल करने के 10 मिनट के बाद ही आ गया था टो ट्रक वाला। एंड यहाँ पे वो उतर के देख रहा है कि गाड़ी को कैसे लेके जाना है। और हम अपनी गाड़ी को सीधा अपने घर पे बुलवाएंगे, क्योंकि अभी तो रात हो रही है एंड पूरे मॉडिफिकेशन वाले सेंटर बंद हो जाएंगे। सो हम कल जाएंगे मॉडिफाई कराने, तो घर चलते हैं। तो हम लोग अपनी गाड़ी टो करके अपने घर तक लेके तो आ चुके हैं एंड अभी रात हो रही है, अभी मॉडिफाई नहीं करवा पाएंगे। तो कल सुबह जल्दी जल्दी उठ के हमारे को मॉडिफाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे और भी गाड़ियाँ होती है। सो उन सबसे पहले हमारे को जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा मॉडिफाई करवाने के लिए। तो चलो सुबह चलते हम। तो गाइस, सुबह हो चुकी है एंड हम कल लेके आए थे अपनी गाड़ी जो अभी बाहर खड़ी है। एंड अभी इसको चलो मॉडिफाई करवाने चलते हैं। अपने ड्राइवर को कॉल करता हूँ क्योंकि टो करना उसकी ज़िम्मेदारी है। सो गाइस, मैंने अपने ड्राइवर को बुला लिया जो कि टो ट्रक चलाएगा। सो अभी हमारे को अपनी गाड़ी लेके अपने मॉडिफिकेशन सेंटर पर जाना है। तो हम लोग लेके चलते हैं, वो अपने आप लेके आ जाएगा क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी है लेके आने की। तो गाइस, ये हमारा मैकेनिक और इससे हमने बात कर ली है और गाड़ी अंदर रखवा दिया। इसने कहा है कि लगेंगे आज एक दिन लगेगा। सो हम फिर से कल आएंगे और अपनी गाड़ी पिकअप करेंगे एंड देखेंगे कि कैसी बनाई है। यहाँ पर कुछ शॉर्ट सर्किट हो के फूटा लग रहा है। ओके, बहुत ही भयानक क्रैक्स आए हुए हैं। सो कल आते हैं यहाँ पे। तो गाइस, बहुत बड़ा पंगा हो गया है। अभी मेरे को मैकेनिक का कॉल आया कि गाड़ी तो मॉडिफाई हो गई थी, पर बिग माफिया वाले बंदों को पता चल गया था कि लंदन की क्वीन की गाड़ी मेरे पास है। तो उसने पंगा लेने के लिए गाड़ी चुरा ली है।